राजधानी भोपाल के पहले सिक्स लेन प्रोजेक्ट में 200 से ज्यादा पक्के अतिक्रमण टूटेंगे। इनमें मैरिज गार्डन, होटल की बाउंड्री वॉल, दुकानें, गुमटियां आदि शामिल हैं। 12 दिन के भीतर बाउंड्री वॉल और दुकानें तोड़ेंगे। अभी 10 फीट तक इनका कब्जा है। प्रोजेक्ट 222 करोड़ रुपए का है, जिसका भूमि पूजन 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। कुल 15.10 किलोमीटर लंबे सिक्स लेन में मुख्य सर्वधर्म ब्रिज के साथ 27 अन्य छोटी बड़ी पुल और पुलियां भी बनेंगे। इससे पहले अतिक्रमण हटाया जा रहा है। नयापुरा में जेसीबी से तोड़फोड़ भी शुरू हो गई है। यहां 2 मैरिज गार्डन की बाउंड्री वॉल और दुकानें हटाई गई हैं। नवंबर में सभी अतिक्रमण तोड़े जाएंगे, इसके बाद सड़क बनेगी। इसके अलावा अस्थायी अतिक्रमण जैसे गुमटियां, शेड, सब्जी दुकानें आदि भी हैं, इन्हें भी हटाया जाएगा। कोलार रोड के गोलजोड़ से बैरागढ़ चीचली के बीच की लंबाई 11 किलोमीटर है। यहाँ के लोग इसी रोड से आना जाना करते हैं। बढ़ती आबादी के साथ अब सड़क काफी छोटी पड़ने लगी है, अक्सर जाम की स्थिति भी बन जाती है। वहीं बारिश के समय सड़क पूरी तरह से जर्जर हो जाती है। इस बार भी ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। इसलिए रोड की चौड़ाई की मांग लंबे समय से की जा रही थी, लिहाजा सीएम ने सिक्स लेन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है।